मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं चारों तरफ बहती हवाओं और सूर्य की जो रोशनी है, इसके बावजूद भी हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मन की जो स्थिरता है, उस मन की स्थिरता के लिए क्या किया जाए? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक जी, आपने जो सवाल पूछा है, ये कुछ ही दिन पहले मुझे सवाल पूछा गया था। एक प्रोग्राम भी था जिसमें माननीय सम्मानीय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, और उसी में मुझे किसी एक कैंडिडेट ने एक सवाल पूछा था, क्योंकि मैंने जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया था करियर को लेकर, और उसके बाद एक सवाल पूछा गया था, साहब मैं इतना कुछ काम करता हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। तो देखिए, भगवद गीता के दूसरा अध्याय, जो दूसरा अध्याय है भगवद गीता का, दूसरा अध्याय जो बताता है कि जो स्थिति प्रज्ञ के बारे में बताया गया है। तो पहले तो हम जानते हैं मन क्या है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये अलीबाग के अंदर ये किहिम नाम का एक बीच है, किहिम बीच, यहाँ पर हम आए हुए हैं और बहुत बढ़िया वातावरण है। तो आप बता रहे कि ऐसे माहौल में भी रह के इंसान का मन अगर डगमगा रहा है, स्थिति प्रज्ञ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, बचपन से लेके अभी तक इंसान ने मन को ही ट्रेनिंग दिया है, और विटम्बना देखिए वही ट्रेन नहीं हुआ, बाकी हर हर हमारा जो बॉडी का जो हर हिस्सा था वो ट्रेन हो गया, लेकिन हमारा वही हिस्सा को हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना। हम उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जो दिखाई दे रही है, लेकिन उस चीज पर कम फोकस करते जो दिखाई नहीं दे रही है। तो आज से इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर अशोक जी ने जो सवाल पूछा, डॉक्टर अशोक गुप्ता जो मानकुल से हैं और इंदिरा एजुकेशन ट्रस्ट के जो संचालन का भी काम करते हैं, और आपका सर इसी का आंसर मैं दे रहा हूँ कि मन को व्यवस्थित करने के लिए पहले मन को जानना जरूरी है। मैं कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, कई मेरे रिसर्च हो चुके हैं, और जो उसका कंक्लूजन है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मन जो होता है ना, ये कोई ये पार्ट नहीं है, शरीर का हिस्सा नहीं है। मन कोई शरीर का हिस्सा नहीं है मित्रों। मन जो है ये एक, आप बोल सकते हैं कि ये बहुत सारे थॉट्स जो हमारे अंदर चलते हैं, बहुत सारे एनर्जी का जो है ये पुलिंदा होता है, बहुत सारे विचार आते हैं और उस विचारों से हमारे शरीर पे परिणाम होता है, ये है मन। एक बार डॉक्टर लोगों ने एक बॉडी का पूरा पार्ट, एक बॉडी आई थी, लावारिस बॉडी आई थी, और उसका उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, चलो इसमें देखते हैं मन कहाँ पर होता है। तो मित्रों, आप हैरान हो जाओगे, इसमें मन नाम का कोई अवयव नहीं मिला। तो मन क्या है? मन एक विचारों का, बहुत सारे विचार जो हमारे अंदर होते हैं, बहुत सारे विश्वास होते हैं, ये विश्वासों का समूह को मन कहा जाता है। 2.5 साल से हमारे 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 अंदर मन नाम का जो एनर्जी है, या मन नाम के तत्व ने हमारे अंदर प्रवेश किया। 2.5 साल से हम जानने लगे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मन जो है, सबसे पहले जो हमने अभी तक बचपन से लेके अभी तक हमने केवल मन को ही ट्रेनिंग किया है, और हमारा मन ही ट्रेन नहीं हुआ, बाकी हर चीज ट्रेन हो गई है। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल था कि मन को हम कैसे अपने वश में रखे, या मन को कैसे, या कोई तकनीक है क्या? तो मन को हम जान गए कि मन क्या है। मन है विश्वासों का या विचारों का एक पुलिंदा है। मन को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले उस, देखो, जिसको हम जान नहीं सकते उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक विज्ञान की परिभाषा है। तो उसको जानना जरूरी है, हमने जान लिया है। और विज्ञान क्या कहता है कि मन के कुछ सच्चाई है जो हमको जानना जरूरी है। मन दो भागों में बांटा गया है। मन जो है, सबसे पहले मन जो है एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में बांटा गया है। हमेशा आप देखेंगे ना, हमारा मन दो भागों में, हमारे अंदर कम्युनिकेशन चलते रहता है। लोग सबसे ज्यादा बातचीत दूसरों से नहीं मित्रों, अपने आप से करते हैं। देखो यार, वो कैसा है, वहां पर कैसा है, कितना बढ़िया महसूस हो रहा है, यार मेरे साथ तो ऐसे होता है, मेरे साथ तो वैसे होता है। ये सब बातें कर करके हम, अच्छी या बुरी बातें कर करके अपने दिमाग को, अपने मन को हम प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। तो आज के बाद इस वीडियो के माध्यम से मित्रों, अगर आप अपने मन को सचमुच में ट्रेन करना चाहते हो सफलता के लिए ट्रेन करना चाहते हो, स्थिति प्रज्ञ में आना चाहते हो, मन को स्थिर रखना चाहते हो, तो मन की भाषा को समझो और आज के बाद मन को प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दो अच्छी बातों के लिए, अच्छी चीजों के लिए। हर दिन रोज उठते ही पहले सकारात्मकता देखिएगा। आज आप क्या सकारात्मक देख सकते हैं, आज का दिन ऐसा क्या हो सकता है कि आप बेस्ट कर सकते हैं। पहली बात है, मन की भाषा ये है
जो आप उससे बात करते हैं, तो अपनी बातों से आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एक पर्सन अपनी बिल्ली से बहुत परेशान था, बिल्ली को कहीं छोड़ कर आता है, फिर बिल्ली वापस घर पे आ जाती, फिर दूसरे जगह जाता है, फिर बिल्ली वापस उसके घर पे आ जाती, कहीं तीसरे जगह पे जाके उसको छोड़ कर आता है, फिर से बिल्ली उसके पास आ जाती है, और लास्ट में एक वो जंगल में जाता है उस बिल्ली को छोड़ने के लिए। मित्रों उस समय ऐसा हो जाता है कि जो बिल्ली बिल्ली को छोड़ तो देता है जंगल में, लेकिन खुद रास्ता भटक जाता है। अब बताइए जब खुद रास्ता भटक गया तो नीचे आप कमेंट्स में बताइए कि वो वापिस कैसे आएगा। वो वापिस आता है उस बिल्ली का पीछा करके। जो हमारी समस्या है वही हमारा हल है। मन को अगर आप समस्या मान रहे हैं तो यही मन आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। मित्रों हमें हमारी सफलता का कारण समझना है और उसका उसका हमें निवारण करना है। तो मन को रोज सकारात्मक बातें बोलिए। मन को ना नहीं समझ में नहीं आता है, हाँ मन को नहीं समझ में नहीं आता है मित्रों, उसको नहीं की भाषा समझ में नहीं आती है। मन को कोई नहीं निगेटिव बात समझ में नहीं आती है, उसको अगर आप मजाक भी कर रहे हैं ना उसको सच्चाई ले लेता है। हाँ मन के बारे में ये एक बहुत कड़वा है लेकिन सच है, मन को मजाक समझ में नहीं आता। अगर उसको आप निगेटिव बोलेंगे ना ये तो बुद्धू है, ये तो बुद्धू है, सही में वो बुद्धू बन जाता है। तो मन उसको प्रूव करने लगता है, मन को निगेटिव, मन को नकारात्मक, मन को मजाक और मन को कुछ भी बातें समझ में नहीं आती है, उसको बस यही चीज समझ में आती है कि ये काम मुझे करना है। आप उसको कमांड दीजिएगा और वो बहुत अच्छा सेवक है, वो प्रूव करके दिखाएगा अपना काम। मन का जो तीसरा है, मन को ना चित्र की परिभाषा बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। तो आज के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मित्रों केहिम बीच के माध्यम से, तो आज के बाद से आपको क्या करना है, अपने मन को करने के लिए चित्र दिखाइए। आप कहां पर जाना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं, आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं, ओलंपिक में जाना चाहते हैं, जिस जहां पर भी आप जिस जिस जगह पे जाना चाहते हैं वहां आपका चित्र फोटो निकाले। आप कैसे घर में रहना चाहते हैं, कैसा टेलीविजन देखना चाहते हैं, कैसे मोबाइल का यूज करना चाहते हैं, कैसे आपके फ्रेंड को जानना चाहते हैं, कैसे पत्नी चाहिए, कैसे पति चाहिए, ये सारी चीजें ना चित्र के माध्यम से मन को बताइए। दिस इज कॉल्ड विजन बोर्ड। आपके पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है, आप जो कुछ करना चाहते हैं ना एक डायरी में लिखिए। आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, ये सारी चीजों को आप रोज रोज डायरी में लिखिए और उसको पढ़िए। क्योंकि जितना आप लिखेंगे और जितना पढ़ेंगे आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, मन ये सारी चीजों को करने लगेगा। आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं, आप कोई नई तकनीक सीखना चाहते हैं, नई कला सीखना चाहते हैं, ये सारे चीजों मित्रों आप कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग को। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा धन्यवाद देते रहिएगा मैम। देखिए हम जब शिकायत करते हैं ना तो हम अपने मन को निगेटिव में डाल रहे हैं। आपको जैसे दोस्त मिले, जहां पर भी मिले, जैसी भी हेल्प मिला है, जैसा परिवार मिला है, अपने आप को रोज धन्यवाद बोलिए साहब। क्योंकि जब आप धन्यवाद बोलते हैं मन शांत हो जाता है और वो सारी चीजें आपको और लाने लगता है जो आप चाहते हैं। आइंस्टाइन हमेशा कहा करते थे, मैं रोज अपने आप को दिन में 100 बार याद दिलाता हूं, मैं रोज अपने आप को दिन में 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदर का जीवन और मेरे बाहर का जीवन ये मात्र लोगों की वजह से है, ये लोगों की वजह से मेरा अंदरी जीवन और बाहरी जीवन सफल हुआ है। तो रोज दिन में 100 बार धन्यवाद देते थे मित्रों। जब आइंस्टाइन जैसे लोगों ये काम करते थे तो हम तो साधारण लोग हैं। तो आपको धन्यवाद देना है मित्रों। और मैं डॉक्टर अशोक जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा और इतने सारे लोगों के लिए आप एक निमित्त बने कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो फिर से मैं कंक्लूजन करके यहाँ पर अपनी बात को विराम दूंगा। आज के बाद अपने मन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एक के मन का ना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। पहला, मन एक विचारों का पुलिंदा है, बहुत सारे विचार बन के बचपन से लेके अभी तक आपने आपके पास जितने विचार आए उन सभी विचारों ने आपको आज ऐसा बनाया। आप जैसे भी हो, मैं ऐसा हूं, आप ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, ये बिकॉज ऑफ देयर माइंड, उनका माइंड वैसा है। एक क्रिमिनल माइंड होता है और एक बहुत ही रिच माइंड होता है, एक पुअर माइंड होता है। तो ये माइंड का ही कमाल है, बाकी कुछ नहीं है। तो मन को कंट्रोल या स्थिर रखने के लिए 5 महत्वपूर्ण चीजों पर काम कीजिएगा। आप अपने आप से क्या बात करते देखिएगा। दूसरा जो है, अपना एक आप जो भी चाहते हैं, जो जीवन में देखना चाहते हैं, वो मन को बोलिए कि मेरे को ये चीज चाहिए। तीसरा, विजन बोर्ड बनाइएगा। चौथा जो है, डायरी मेंटेन कीजिएगा और उसमें सकारात्मक तरीके से लिखिए कि मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, मेरे पास कोई मैं बहुत ही हेल्थी हूँ और सारे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं लोगों को पसंद कर रहा हूँ। और लास्ट में आता है ग्रेटिट्यूड। हमेशा धन्यवाद दीजिएगा मित्रों। जितना आप धन्यवाद देंगे, मैं सच बता रहा हूँ, जितना आप धन्यवाद देंगे
उतना आपके जीवन में, उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक चीजें आने लगेंगी, पैसा आने लगेगा, समृद्धि आने लगेगी, हर चीज जो चीज आप चाहते हैं उसे आप पालोगे। बस ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। शिकायत करने से इंसान नीचे की ओर जाता है और धन्यवाद देने से इंसान ऊपर की ओर जाता है। अब आपका निर्णय है, आप क्या चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा बना है, लेकिन ये वीडियो जरूर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे। धन्यवाद दिल से, मन से, मन की गहराइयों से। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता।